मैं एक बार जगन्नाथपुरी गया था, आप भी गए होंगे, तो वहां भगवान का प्रसाद बनाते हैं तो प्रेशर कुकर में नहीं बनाते, आप जानते हैं। हालांकि वो चाहें तो प्रेशर कुकर रख सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। तो मैंने मंदिर के महंत को पूछा कि ये भगवान का प्रसाद माने वहां दाल और चावल मिलता है प्रसाद के रूप में, वो मिट्टी की हांडी में क्यों बनाते हैं? आप में से जो भी गए हैं जगन्नाथपुरी, आप जानते हैं वो मिट्टी की हांडी में दाल मिलती है और मिट्टी की हांडी में चावल मिलता है या खिचड़ी मिलती है, जो भी मिलता है प्रसाद के रूप में। तो मैंने महंत को पूछा कि आप ये मिट्टी की हांडी में ही क्यों बनाते हैं? तो उसने एक ही वाक्य कहा, मिट्टी पवित्र होती है। तो ठीक है, पवित्र होती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन वो जो नहीं कह पाया महंत, वो आपको मैं कहना चाहता हूं कि मिट्टी न सिर्फ पवित्र होती है बल्कि मिट्टी सबसे ज्यादा वैज्ञानिक होती है, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में जो कुछ है वो शरीर में है और शरीर में जो है वो मिट्टी में है। हम जब मरते हैं ना और शरीर को जला देते हैं तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है पूरा शरीर, 70 किलो का शरीर, 80 किलो का शरीर मात्र 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है, जिसको राख कहते हैं। और इस राख का मैंने विश्लेषण करवाया एक लेबोरेटरी में, तो उसमें कैल्शियम निकलता है, फास्फोरस निकलता है, आयरन निकलता है, जिंक निकलता है, सल्फर निकलता है, 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं मरे हुए आदमी की राख में। ये सब वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मिट्टी में है। इन्हीं 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से मिट्टी बनी है, यही 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शरीर में है जो मिट्टी में बदल जाता है। तो महंत का कहना कि मिट्टी पवित्र है, वो बहुत वैज्ञानिक स्टेटमेंट है। बस इतना ही है कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकता? आधुनिक विज्ञान उसने नहीं पढ़ा या उसको मालूम नहीं है, लेकिन आधुनिक विज्ञान का रिजल्ट मालूम है, पवित्रता। रिजल्ट उसे मालूम है, विश्लेषण नहीं मालूम। वो हमारे जैसे मूर्खों को मालूम है। मैं अपने को उस महंत की तुलना में मूर्ख मानता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे यह विश्लेषण करने में 3 महीने लग गए, वो बात 3 मिनट में समझा दिया कि मिट्टी पवित्र है। तो यह मिट्टी की जो पवित्रता है, उसकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है, उसमें से आई है। तो मिट्टी में दाल आई है, दाल आपने पकाई है, तो वो महंत कहता है कि मिट्टी पवित्र है, इसलिए हम मिट्टी के बर्तन में ही दाल पकाते हैं, भगवान को पवित्र चीज ही देते हैं।